ओए जा, ओ बुबा, क्या ही झटके लग रहे हैं। ओम फो, दुर्राटे गाड़ रही हैं। आस्ता कुछ। ओ फो, ऊपर इतने बड़े चट्टान और यहाँ की रोड क्या ही बताएं। ओ देखो, नीचे सीधे खतरनाक वाली खाई और ये नदी और पार वो नेपाल। कुछ यूं इस प्रकार से कुछ जनप्रतिनिधियों को, गांव की जनता को थोड़ा बहुत सोच समझने की आवश्यकता है और इस समय आगे आने के लिए आप सभी लोग आगे। इमरजेंसी होते की गाड़ी बची रहती तो हम लोग इस प्रकार का सफर करते हैं। और पानी भी लग रहा है, किस्मत भी क्या है यार, जिस दिन ज़्यादा ज़्यादा कपड़े बन के जाए उस दिन धूप लगती है और जिस दिन एक कपड़े तो उस दिन पूरा पानी आ जाता है और ठंडा हो जाता है। SBI उस दिन यहीं पे कांड हुआ था, आप लोगों को पता है, गार्ड ने मैनेजर को आग लगा दी थी पेट्रोल छिड़क कर, यहीं पे हुआ था SBI। कुछ इस प्रकार से धारचूला की मार्केट, तल्ला बाज़ार बोलते हैं इसे, तल्ली बाज़ार, और से मित्र पुलिस और ये रहने वाला स्टैंड। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि दादा की शादी है 22 तारीख को, तो घर में आजकल बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो शादी की तैयारियों में मैं व्यस्त हूँ, सभी लोग व्यस्त हैं। और आज मुझे शादी के सिलसिले में कुछ सामान लाने धारचूला जाना हो रहा है, तो वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा बहुत लाइट वाइट का सामान है। और यहाँ पे घर में देखो इस प्रकार की तैयारियाँ भी कर लिए, तो चलते हैं धारचूला और फिर देख दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। तो घड़ियों, घर में आप लोगों ने इस प्रकार की ड्रम ड्रम मतलब पानी वानी की व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी अभी एक हफ्ता बचा है तो सामान वामान तो ला लेंगे। तो आज मैं धारचूला जा रहा हूँ अपने निजी शादी के कारण, मतलब कुछ बहुत सामान लाने के कारण से, तो यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ऊपर रोड में चलता हूँ, देखता हूँ गाड़ी बची है या ऐसे ही पैदल चलना पड़ेगा। हमको खोपड़े में बैठा रखा है, पीछे सीट पीछे वाली, मतलब क्या बताएं, मतलब बहुत ही ज़्यादा झटके लग रहे हैं, गर्म भी बहुत हो रहा है, गर्म भी हो रहा है। और आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें किस प्रकार का फील हो रहा होगा। रोड का हाल बताते हैं एक बार आपको। ओह क्या रोड है यार, बहुत ही ज़्यादा झटके लग रहे हैं। कैमरे का एंगल से आप लोगों को पता चल रहा होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है यार। और ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये नेपाल की पास। देखो ये यहाँ के गड्ढे फटे और रोड का हाल। धारचूला जाने के लिए रांची के ग्रामीणों को कुछ इस प्रकार से सफ़र करना पड़ता है। रोड का हाल कुछ यूं इस प्रकार से, कुछ जनप्रतिनिधियों को, गांव की जनता को थोड़ा बहुत सोच समझने की आवश्यकता है और इस समय आगे आने के लिए आप सभी लोग आगे आइए। एक इंसान के प्रयास से यह संभव नहीं हो पाएगा, तो जनप्रतिनिधियों का सहयोग और कुछ गांव की रोड, और आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार के झटके इस रोड में लगते होंगे। सामान्य आदमी के लिए तो वैसा उतना कुछ फील है, लेकिन जब बीमार और गर्भवती महिलाओं के लिए सफ़र बहुत ही मुश्किल, लगभग मरने जैसा फील होता होगा क्योंकि इसमें ही बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं। और ये रोड का कुछ इस पर खतरनाक वाली रोड है। यहाँ पे आप आना चाहो तो आपको बहुत ही सारा ऑफ रोड देखने को मिलेगा, ऑफ रोड के तौर पर यहाँ पे आप आ सकते हैं। वैसे मैं और यहाँ से जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो रोड है आपकी नेपाल, अभी भी कार्य पद्धति पर है। और हम अभी पहुँचने वाले हैं रांची वाटरफॉल के डस्टनशिप में। इस
प्रकार की चढ़ाई है आपको दृष्ट बगल में। आप लोगों के लिए ऑफ रोड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और जो पार दिख रही हो वो नेपाल की, जस्ट यहीं पे पड़ता है रांची वाटरफॉल बरसाती समय में। अब दर्शक प्रकट हो जाएगा ऊपर यहाँ से कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे गिरता है आपका रांची वाटरफॉल, जस्ट यहाँ से यहीं पे गिरता है। और अभी जून जुलाई में यहाँ पे आ जाएगा फॉल। यहाँ पे तो बहुत ही डेंजर रोड है फॉल के नज़दीक में। धारचूला जाम ही जाम, धारचूला की समस्या। आए दिन जाम लगे रहता है यहाँ। जगह कम गाड़ियाँ ज़्यादा, धारचूला वाले सब काम ही फ्रॉड कर करते हैं। ना कोई पार्किंग है, जगह कम है, गाड़ियाँ ज़्यादा है। धारचूला की मार्केट SBI, उस दिन यहीं पे कांड हुआ था। आप लोगों को पता है गार्ड ने मैनेजर को आग लगा दी थी पेट्रोल छिड़क कर, यहीं पे हुआ था SBI। कुछ इस प्रकार से धारचूला की मार्केट, तल्ला बाजार बोलते हैं इसे, तल्ली बाजार। और पीछे से मित्र पुलिस, और ये रहने वाला है स्टैंड। और हम जा रहे हैं इसमें, क्या खाएगा क्या पिएगा भाई, जो लाते ला जी तालिया ने नींबू मल्ला। फिर मैं भूखे पेट हूँ अभी, क्या खा रही हो इसमें देख लो। और जाते टाइम दोनों टाइम नीचे खड्डे में बिठा रहे हैं।
घर की ओर जा रहे हैं धारचूला से। और सफ़र हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है क्योंकि बहुत सारे इमरजेंसी होते हैं कि गाड़ी बची रहती है, तो हम लोग इस प्रकार का सफ़र करते हैं। और पानी भी लग रहा है, किस्मत भी क्या है यार, जिस दिन ज़्यादा ज़्यादा कपड़े बन के जाएँ उस दिन धूप लगती है, और जिस दिन एक कपड़े तो उस दिन पूरा पानी आ जाता है और ठंडा हो जाता है। कैसा लग रहा है? क्या लगता है यार? ओ देखो, सबसे पहली गाड़ी यहाँ पे है, उसके बाद दूसरी वाली यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीनों साथ साथ में थे, लेकिन अभी डिस्टेंस काफी लंबा हो चुका है। सफर देख लीजिए एक गाड़ी का, एक यहाँ है, एक आगे और एक यहाँ पे। क्या ही ठंडा हो रहा है। और यहाँ से रास्ता कुछ ऊपर इतने बड़े चट्टान, और यहाँ की रोड क्या ही बताएं। देखो नीचे सीधे खतरनाक वाली खाई, और ये नदी, और पार वो नेपाल। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है इस प्रकार का सफर। ऑफ रोड के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वाला प्लेस है रांची। ओ जा, ओ बुबा, क्या ही झटके लग रहे हैं। ओम फो, दुर्राटे गाड़ रही हैं। ओ जा, तो भाई साहब धारचूला से बड़ी मुश्किल से थकान, और ना काम की ओर में मैंने खाना का नहीं भूल गया, अभी खा के आया और अभी ऊपर चलता हूँ। और धारचूला से घर पहुँच गया हूँ मैं, लेकिन क्या हो गया ना, आज कोई व्यापार का मतलब वहाँ पे कोई मर गया था, तो 3 बजे से मार्केट बंद हो गया था, तो सामान मैंने जो लाया था वो वहीं भूल गया हूँ, मतलब कल गाड़ी में मंगाना पड़ेगा।